सो हे गाइस, नमस्ते, आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़ा कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं चला कि 4 रोज़ा हो गया है। और बस 4 रोज़ा चला गया ना अम्मी, अभी मेहमान आता है जाते टाइम नहीं लगता है, चला जाता है। कुछ खाने में इतना बिजी है जिनको कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए, हमने हाल फिलहाल ज्यादा नहीं किया, बस पकोड़े खत्म किए हैं। क्यों जी जी अम्मी, चलिए अम्मी खा लीजिए, फिर हमें बाजार भी जाना है। और बाकी आपको मैं हाल दिखा दूँ, ये इस तरीके का हाल हो रखा है इफ्तारी बनाते बनाते। अगर मैं इसको जादू करूँ तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाले जो काम है ना, इस वाले जादू में कम से कम 1 घंटा लगेगा, तब जाके यहाँ पे कोई जादू काम करेगा। बाकी मैं यहाँ पे सालन बन रहा है। सालन, हम जा रहे बाजार क्योंकि सब्जी लेके आनी है। और एक की तूने कैसे तरबूज काटा है बे, देखना मम्मी। सो गाइस, ये वाला थैला ले लिया जिसको मैंने अपने हाथ में एकदम सांप की तरह बांध लिया है ताकि मेरे हाथ से छूटे ना। और अब मैं निकल रही हूं। सींग देखना, सींग की सिंह है। और मेरे बताना यार, दूती को कुत्ता खा गया, अल्लाह, एक का ये खा गया इसने, देखना। मेरी अम्मी आगे आगे जा रही है, मेरे को अम्मी पीछे छोड़ के चले गए। अम्मी आपके बेटे भी है पीछे पीछे, आए कुत्ते भीड़ में लेके आए रखे हो मम्मी। मेरा बोरा बिगड़ गया, यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। अम्मी पैसे हैं? हैं? मम्मी जब मजदूरी करवा रहे हो मेरे से, चाउमीन दिला दो इसी का महीने। अरे मम्मी बनी बनाई चाउमीन मम्मी। देखा, मजदूरी का भी मत लेना, छोड़ना, अपनी मेहनत का फल हमेशा लेना। तो गाइस, मैं गांव से आ चुकी हूँ, बहुत दूर। इसको मैं नीचे उतारूं, भैया मेरा कंधा टूट गया, एक मिनट इसमें से मैं अपनी मजदूरी निकाल लूं पहले। ये रही मेरी मजदूरी चाउमीन। तो भाई अक्की की चाउमीन मैंने निकाल दी है, अब बारी है हमारी चाउमीन निकालने की, तो फटाफट से निकालती हूँ। चाउमीन हमारी गर्म है, हाथ को भी गर्म लग गया। और इसमें भरो, सब कुछ लिया है, चम्मच लाना भूल गए। वाह, गरम गरम चाउमीन। अगर कोई रोजा रख के वीडियो देख रहा है तो प्लीज स्किप कर देना, ठीक है? देख। सो गाइस, यहाँ पे अम्मी ने ये बना रखे थे, इसे क्या कहते हैं, नमक पारे कहते हैं, इसको जैसे हमारा तेल भी कितना काला हुआ है। और चाय के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो अच्छा अभी ला रही हूँ, चाय ला रही हूँ गरीब लोग कहीं के। और चाय यहाँ पे हमारी हो गई है, और अब से अब चाय पीने के बाद। क्या कर रही है, गांव में क्या चीज नहीं आई है? यहाँ पे डलेगा ये, और उसके बाद हमें इसको अपने लमे करूँ, हाथों में चूड़ी की तरह पहनना, लमे चढ़ाऊँ क्या? क्या आती है थारा मतलब, यहाँ पे 5-8 पता ही ऐसा लग रहा है। मेरा भी चेक कर, मेरा भी चेक कर, वो कह रही मेरा भी चेक करना। ओके, वन टू थ्री 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 इसमें बैन, तू दिखा दीवार को दिखा, तू एक काम करना, दीवार के बाहर बना। बोलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, बोलो बोलो। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये चालू हो चुका है, अभी इसका फूलना स्टार्ट हो रहा है, देखिए वो रेटिंग निकाल रहा है। ओ सॉरी, आपके पास तो दिली तो हमारा ये कट गया है सारा सामान जो भी हमें चाहिए था। और मेरा मुंह देखने से ऐसा लगता है कि मुझे रोजा लग रहा है, तो हाँ मुझे रोजा लग रहा है। और अब जा रही हूँ मैं पकौड़े बनाने फटाफट, क्योंकि उसके बाद खाना वाना बनाने लग जा, खाना बनाने में लगना होता है, कुछ भी टाइम नहीं मिलता, टाइम ऐसे फटाफट बीतता है। पहले जो था टाइम थोड़ा धीरे धीरे बीतता था रमज़ान के में, पर अब बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। अब मुझे ये नहीं पता कि बेसन कहाँ रखें, बेसन के डब्बे, यहाँ पर डब्बों की ऐसी लाइन लगी है तो मुझे पता ही नहीं डिब्बे है किसमें। मैगी में होगा नहीं, चेक करती हूँ। यार मन कर रहा है मैगी इस तारीख में खाने का, सोच रही मैगी भी बना लूँ।
अपने ऊपर ही गिरा लिया मैंने। बेसन खत्म तो नहीं हो गए। सो गाइस हमें हमारा बेसन मिल गया जिसकी एक चोटी बांध रखी है, ये वाला इस वाले डब्बे के अंदर था और मैं फालतू में लाल वाले डब्बे के अंदर घूम रही थी। अयो मैंने ऐसे किया उसमें से धूल निकल रहा। ओहो लहसुन डालने की बारी। वैसे हाँ पकौड़े में कुछ लोग लहसुन नहीं डालते, कुछ नहीं बहुत सारे लोग नहीं डालते, पर मेरे को अच्छा लगता तो मैं डालती हूँ। इसको कूटने की बारी। 20 वाला भी ब्रेड मिल जाए तो आप लेके आ जाइएगा, उसका पकौड़े बन जाएंगे। तो अभी हमारे तो ये बस पेस पे तैयार हुआ है। अभी हम पहले काम करती हूँ, एक तरफ पकौड़े चढ़ाऊंगी तो एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ साथ साथ में। रखो फ्रिज तो बंद ही करना भूल गई। तेल खत्म हो गया, मुझे दोबारा तेल निकालना पड़ेगा क्योंकि इतने से तेल में नहीं बन पाएगा। ऐसे करके डाल देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर डाल देंगे, मतलब सांस नहीं लेने देंगे बैगन को। ठीक है, आज की रेसिपी थी बाय द ग्रेट शेफ रोशनी। और भी बेहतरीन, हाथ चल गया, बच गया बच गया। संभल के करें, यहाँ हमारी चम्मच टाइटैनिक की तरह डूब रही है, इसको थोड़ा निकाल लें। तो गाइस अब हम इसका भी कुछ बनाएंगे, तो पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, तो निकल गया, अब इसे काटते हैं। ठीक है, कट गया इधर, ये इधर, अब वो हो चुका है, मेरे को भी तल दिया। ठीक है, शाम में आज के कड़वे पकौड़े बनेंगे। क्या खेत में से आई हो क्या तोड़ के? खेत में से अभी हमारे फार्म है ऊपर छत पर, उसमें से हमने अभी तोड़ के लाए। देख सकते हो ताजे ताजे काले काले प्याज है हमारे। चलो कोई नहीं, तुम कर लो। तो गाइस हमारे सारे काम हम हो चुके हैं, हमने कारी भी बना ली। अब मैं छत पे जा रही हूँ क्योंकि आंधी जैसा मौसम हो गया है। कपड़े हमने खिला ली। गाइस यहाँ पे बारिश जैसा मौसम हो चुका है और अलचू मियां जाने का नाम नहीं ले रहे, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। चलो अब नीचे, बहुत ज्यादा मच्छर मुंह के अंदर जा रहे हैं बाबू। ये बच्चे कितने जिद्दी होते हैं यार, खराब चीजों के पास ही रहना है। सो गाइस अब हम नीचे आए हैं और अब मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, और मैं आपको एक और रोजेदार से मिला दूं जिसको बहुत तगड़ा रोजा लग रहा है। दिन ब दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है। पहले मैं मैगी बनानी है, मैगी के लिए हमें मैगी चाहिए। तो भाई फटाफट से इनके मसाला निकालते जल्दी से। तो ये मसाले हमारे निकल गए, अभी इन्हें डालते हैं इसमें। तो यहाँ हमारी मैगी बन रही है, बनी नहीं अभी, बन रही है और गैस भी सही फ्लेम पे, और हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब तक हम इस सबको वहाँ रखें। ठीक है, उसके बाद आपसे। तो गैस हमारी इफ्तारी भी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी पूरी हो चुकी है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इफ्तारी की भी व्लॉग बनाने की क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मतलब ना हो गया था मैगी वैगी बनाने में, गड़बड़ कटपड़ हो गया था और एजाइन तभी हो गया, तो फिर मतलब कैमरा उठाने का मौका नहीं मिला और हमने इफ्तारी कर ली, भूख ज़्यादा लग रही थी। चलो कोई बात नहीं, बाकी आज की व्लॉग यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको व्लॉग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, जितना हो सके प्यार दे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब करे 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 बिल्कुल करे, और बाकी अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें हमें, और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।